हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बोर्ड नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से लिए के लिए, और जो नोटिफिकेशन ये निकाला है स्वामी रामानंद तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन फिक्स्ड पे फॉर स्कूल ऑफ फार्मेसी, तो ये जो एप्लीकेशन वो इन्वाइटेड है ये फॉर स्कूल ऑफ प्राइमरी फार्मेसी। ठीक है, अब देखिए ये जो स्कूल है इट इज स्कूल ऑफ एजुकेशन साइंस एंड न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज हिंगोली, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे जो है नेम ऑफ द स्कूल भी मेंशन कर रखा है और जो पोस्ट है वो भी मेंशन कर रखी है, और इस किस कैटेगरी में जो पोस्ट निकली है वो भी मेंशन कर रखा है, और यहाँ पे इन्होंने स्पेशलाइजेशन भी मेंशन कर रखा है, और जो पे पर मंथ फ्रॉम यूनिवर्सिटी फंड, और आपको यहाँ पे कितना स्टाइपेंड मिलेगा, एमोलुमेंट से स्टाइपेंड कितना मिलेगा वो भी यहाँ पे आपको जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो बात करेगा स्कूल ऑफ एजुकेशनल साइंसेज के, तो यहाँ पे जो है ओपन कैटेगरी में 1 पोस्ट है और जो अनरिजर्व में एससी में 2 पोस्ट है। स्पेशलाइजेशन आपका एजुकेशन में होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, और जो आपका यहाँ पे जो पे पर मंथ है वो है 24,000 पर मंथ आपको यूनिवर्सिटी फंड से दिया जाएगा। ऐसे देखिए स्कूल ऑफ फार्मेसी में जो है टोटल पोस्ट 18 है, यहाँ 4 पोस्ट ओपन है, 3 पोस्ट एस सी है, 1 पोस्ट एस टी है, 1 वीजे ए, 1 एन टी बी, 3 ओ बी सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में जो है पोस्ट को निकाला गया है, और जो स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे बोला गया आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपका होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन है फार्मेकोलॉजी में, फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, और जो पेमेंट है आपको मिलेगा यहाँ मिलेगा 24,000 पर मंथ। बात करें स्कूल ऑफ फाइन परफॉर्मिंग आर्ट्स में, तो यहाँ पर भी जो है नंबर ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन, स्पेशलाइजेशन और जो पे पर मंथ है यहाँ पे मेंशन कर रखा है। वहीं अगर बात करें न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज हिंगोली में, तो यहाँ पर भी देखिए आपको जो है नंबर ऑफ पोस्ट और रिजर्वेशन और आपका जो है कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, आपने किस में स्पेशलाइजेशन किया है, और साथ ही साथ जो आपका स्टाइपेंड या इमोलुमेंट है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ पावर पॉइंट देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन में आपका यहाँ पे एमएससी मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और आपके पास अगर नेट है यूजीसी या सीएसआई द्वारा जो भी नेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो वो आपका होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन मस्ट है। और इसके अलावा अगर आपने जो पीएचडी किया है 2009 में रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है, तो 9 से पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको जो है यहाँ पे नेट स्लेट या सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी जो पीएचडी डिग्री है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए, और एटलीस्ट आपकी जो पीएचडी थीसिस जिसे 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेलुएट किया हो और आपका ओपन वाइवा वॉस हुआ हो। ठीक है, और एटलीस्ट आपने 2 पेपर जो है पब्लिश किए हो अपने पीएचडी वर्क से इन कॉन्फ्रेंस या सेमिनार या स्पॉन्सर्ड फंडेड या सपोर्टेड बाय यूजीसी सीएसआईआर एनी एनी सिमिलर एजेंसी। इसके साथ साथ जो है अगर आप मास्टर प्रोग्राम मतलब कि आपने अपना पीजी डिग्री नेट के साथ पास किया है तो आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपने जो अपनी पीएचडी डिग्री जो है वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑप्टेन की है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 रैंकिंग में आनी चाहिए, और ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होगी ये रहेगी क्यूएस डा या एआरडब्ल्यूयू, तो इनके द्वारा जो रैंकिंग जो जारी की गई है उसमें अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है तब भी आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एलिजिबिलिटी, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट को भरना है अलॉन्ग विद दैट एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले आपको डिग्री, डिप्लोमा, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स या अदर सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसका कॉपी लगाना है। ठीक है, दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी पार्टिकुलर रिजर्वेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, एसएससी सर्टिफिकेट या एनी अदर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज। ठीक है, तो ये सब जो है आपको सेंड करना है अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन फॉर्म, और जो लास्ट डेट है सबमिटिंग एप्लीकेशन का वो है 2 कॉपीज आपको देना है, और जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर 5:40 PM है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और आपका जो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए जो है एक्चुअल डेट और टाइम जो है आपको वो बाई मेल सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो इसके बाद आप देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसे फिलअप कर सकते हैं। और फिलअप करने के बाद अपने जो टेस्टिमोनियल से एजुकेशन या आपके पास नेट का सर्टिफिकेट या गेट का सर्टिफिकेट या आपके पास कोई एक्सपीरियंस या टीचिंग सर्टिफिकेट, तो वो आप जो है यहाँ पे लगा देते हैं। पार्टिकुलरली आपको यहाँ पे नेट का सर्टिफिकेट लगाना है क्योंकि वो मैंडेटरी है आपकी पीजी डिग्री के साथ। तो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपने टेस्टिमोनियल से एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ आपको सेंड कर देना है बिफोर 23 अक्टूबर, ठीक है। तो देखिए ये सब पूरा जो है फॉर्म यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो आपको ये सब जो है फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद आपको जो है ये सेंड कर देना है, क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा नोटिफिकेशन। तो दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट में। तो इसमें देखिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है एजुकेशन में, ठीक है, और हिंदी संस्कृत मैथमेटिक्स फिजिकल साइंस बायोलॉजिकल कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस। तो देखिए यहाँ पे जितनी है वो टीचिंग स्टाफ के लिए भी जो वैकेंसी निकली है, और साथ ही जो नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे लाइब्रेरियन लैब असिस्टेंट ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट स्टोर कीपर, तो इनकी भी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाल दी गई है। और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा वो मिलेगा एज पर 900 NCTE या हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट पे निकाली गई वैकेंसी। अगर आप इसका फुल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो यहीं पे अपना वीडियो मैं फिनिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।